तो अब पान के दुकान पर भी लग रहा है, कोई खास बात नहीं है। पीसिएगा। एसी अब पान के दुकान पर भी लग रहा है। जरूरी है। एसी की तो और हालत यह हो गई है कि कोई भी राहुल गांधी जाए रैली में, अमित शाह जी हाँ जाए रैली में, मोदी जी जाए रैली में, तो पीछे में एसी लगा रहता है साहब। अब कोई खास बात नहीं है एसी। हाँ नहीं, लेकिन लेकिन जो जमीन से अलग है पत्रकार, जो जमीन पर जुड़े नहीं है, जमीन जमीन पर माने इन्होंने काम नहीं किया। एसी का मैंने कहा, एसी अब हाँ जमीन पर ही है, एसी अब आसमान पर हाँ नहीं है। हाँ एसी से हाँ आप एग्जाम्पल बहुत सटीक नहीं होगा, नहीं क्योंकि नहीं एसी मैं आप, एसी मैं कमरों आपको वाले, देखिए मेरे पीछे भी एसी लगा सैकड़ों है। आपको पान की दुकान दिखा सकता हूं जिसमें एसी लगा हुआ। नहीं आशुतोष जी, मेरे पीछे भी एसी लगा है, मैं एसी पे नहीं जा रहा हूँ। मैं बात ये कह रहा हूँ, वो पत्रकार जिन्होंने फील्ड की रिपोर्ट नहीं की, फील्ड में खबर को कवर नहीं किया, खबर को जनरेट नहीं किया, केवल वो पोस्टमार्टम की तरह, मतलब वो कुरियर वाला हो गया, इसकी बाइट ले ली, उसकी बाइट ले ली, लाकर सबमिट कर दिया, इसकी बाइट ले ली, उसकी बाइट ले ली, लाकर सबमिट कर। नहीं तो क्या आप इस इस पर बात बात को होनी चाहिए, और मानते वो हैं समाज कि में जो पुरानी बात रही है। ये आप इस बात को मानते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए हाँ जनतंत्र में, मान लीजिए कि कोई भी ओपिनियन वो दे रहे हैं, देश तोड़ने वाला ही ओपिनियन दे रहे हैं, तो आप उसको अपने आर्गुमेंट से उनको धूल धूसरित कीजिए। देखिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं श्रीकांत जी। अभी जाति जनगणना हुई है और आप हैरान हो जाएंगे कि बिहार में सारा का सारा दांव उल्टा हो गया, लेकिन एक पूरी बैटरी है जो ये कहने में लगी हुई है कि जाति जनगणना के बाद जो है मोदी जो है वो खेत रहने वाले हैं और मोदी हारने वाले हैं। अब ये इनका क्या, वो उनका विष है, वो ठीक है मोदी के खिलाफ उनका एक नाराजगी है तो वो ये करते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि जनतंत्र में बड़ी खूबी है, अब ये जो जाति जनगणना हुई है उसमें दांव उल्टा हो गया है, अब नीतीश जी के खिलाफ चला गया है मामला, लेकिन अब नीतीश जी किसी तरीके से अपने को बचाने में लगे हुए। वहां लोग कह रहे हैं कि भैया यादवों की संख्या 14% से ज्यादा है तो तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री होना चाहिए, ये कैसे 18 साल से मुख्यमंत्री बने हुए हैं, ये सत्ता का नुकसान हो रहा है। अब सवाल यहां हो रहा है कि 35 साल लगभग अब होने जा रहे हैं, 34-35 साल होने जा रहे हैं बिहार में, दो ही लोगों की सरकार है, मान लीजिए दो लोगों की सरकार है, जो अति पिछड़ा है जिसकी आबादी 36% है, वो अब पूछ रहा है कि भाई हमारा क्या हुआ, 14% और 2.81% वाले मुख्यमंत्री बने रहे इतने दिन तक, 36% जो मेरा हुआ उसका क्या हुआ। कहने का मेरा मतलब है कि अब ये आप अगर आर्गुमेंट करते हैं तो सारे नैरेटिव आ रहे हैं, जो मोदी के विरोधी वाले नैरेटिव देने वाले लोग हैं वो अपना नैरेटिव दे रहे हैं, जो मोदी के समर्थन वाले, मोदी के समर्थन वाले मतलब जो जो इंडी के खिलाफ वो आर्गुमेंट दे रहे हैं वो अपने तरीके से आर्गुमेंट दे रहे हैं। जिसका आर्गुमेंट महत्वपूर्ण होगा, जनता जो समझेगी जनता ले लेगी। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि अभिसार अगर कुछ बोलते हैं, उर्मिलेश जी कुछ बोलते हैं, तो बोलने की स्वच्छंदता है, स्वतंत्रता, बोलने दीजिए, आप भी बोलिए, इधर से आर्गुमेंट करिए, पुलिस को भेजने की क्या आवश्यकता है, ऐसा क्या अभिसार ने कर दिया, ऐसा क्या उर्मिलेश ने हाँ कर दिया। आ रहा हूँ। देखिए पहली बात तो ये बिहार की जो जनगणना है, जातिगत जनगणना, मैं उसे जातिगत जनगणना मानता ही नहीं, क्योंकि जातिगत जनगणना अगर आपको करनी थी तो मुस्लिमों को आपने 17% कर दिया, तो और वो ठीक है, सत्रह बिल्कुल ठीक, प्रतिशत में 72 फिरके हैं, देवबंदी है, अहले हदीस है, राइट। मैं आपके आर्गुमेंट से सहमत हूं, मैं ये कह रहा हूं कि सहमत हो जाना और इशू नहीं सहमत है, हो पर जाना पता है यही तो डेमोक्रेसी का ब्यूटी है। हाँ, नहीं मैं उसे जातिगत जनगणना मानता ही नहीं, मैं मानता ही नहीं, मुझे लगता है ये केवल चुनावी जनगणना है, जातिगत जनगणना मानता नहीं, क्योंकि दूसरी तरफ भी जातियां, उस पर भी गणना होनी चाहिए थी। खैर आप कह रहे हैं कि अभिसार और उर्मिलेश ने ऐसा क्या कह दिया। देखिए अभिसार और उर्मिलेश के ऐसा और वैसा कहने से कुछ नहीं है, वो तमाम विरोध करें, तमाम ऐसे लोग हैं जो सुबह उठकर पानी पी कर मोदी को सरकार को गरियाते हैं, और रात में खाना खाने के बाद फिर एक बार गरियाते हैं ताकि खाना डाइजेस्ट हो जाए, और सुबह शौच जाने से पहले गरियाते हैं, शौच जाने के बाद गरियाते हैं। गरियाना आपका काम है भाई, आलोचना काम है आपका, करिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समस्या ये है कि आप जब एक नरेशन सेट करते हैं, जब आप एक परसेप्शन बनाने की कोशिश करते हैं,